फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे, और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 5 अगस्त को ये अपना किस तरीके से इम्पोर्टेंट लेवल्स और क्या टारगेट दिखा सकता है। हमने यहाँ पे जो कल डिस्कशन किया था, इसकी क्लोजिंग कल की बहुत ही अच्छी मिली थी यहाँ पे, और पहला ही आज का यहाँ पे कैंडल नेगेटिव बन गया। और नेगेटिव बनने के बाद ठीक है, यहाँ पे जो इसमें फॉल आया है बहुत ही अच्छा खासा है। आज के दिन वन वे फॉल मिला है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है। लास्ट टाइम जैसा हमने डिस्कशन किया था कि ये जो पॉइंट है अभी ये एज अ यहाँ पे सपोर्ट काम कर सकता है। क्यों सपोर्ट काम किया है, इसके पीछे जो रीज़न है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब इसका यहाँ पे ये जो कैंडल है ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसने ये हाई लगा के नीचे की ओर क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, ये हाई हम लोगों को दिख रहा होगा 2540 वाला हाई। ठीक है, तो ये जो हाई था यहीं से इसने क्या किया था, गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसको टच करके यहाँ पे फॉल हो गया था। तो ये जो था लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस की काम किया था, इस बार इसने सपोर्ट का काम किया है, और इसी लेवल से ये मार्केट अभी आज का जो ट्रेडिंग था ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के ये ऊपर की ओर चला गया। डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया मतलब बायर्स ने ट्राई किया, सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन लास्ट में बायर्स ने मार्केट को ऊपर क्लोज करके रखा है, कर दिया है। ठीक है, अब ये फिर से देख रहे हैं हम लोग इसी रेंज में आ गया है, और इस रेंज में ये जब तक है, मान लेते हैं 1-2 दिन, 2 दिन 3 दिन, जब तक इस रेंज में है तब तक हम लोगों को कोई भी बड़ा अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये किसी मतलब यहाँ यहाँ पे आया है ठीक है, इस लेवल के आसपास आया है। यहाँ आने के बाद अभी यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन और टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करें। जब भी ये 2620 के लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा ठीक है, 2620 के लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा, तब हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी टेस्टेड है, जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। लेकिन अगर यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ये अभी हम लोग को इस अभी ये ऊपर की ओर निकल रहा है ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर की ओर निकल रहा है, तो हम लोग को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? हम लोग को रेजिस्टेंस फिर से इसी लेवल के आसपास मिलेगा। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे एक 15 मिनट कैंडल हॉल्ट करने के बाद ये गिरा, इनसाइड कैंडल बनाने के बाद, तो जब ये यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इसी लेवल के आसपास अब इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये नीचे आएगा ठीक है। नीचे आके ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा है ठीक है, ये यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ये सपोर्ट लेके फिर से अगर इसको ब्रेक करके निकलेगा, तो मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, और जो बायर्स हैं वो बुलिस हैं और इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ आके फिर से इसी लेवल से फिर से रेजिस्टेंस मिलके इसको ब्रेक कर देता है, मतलब ये अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है, और इसमें ऊपर जाने में थोड़ा और टाइम लगेगा, एंड हो सकता है फिर ये इस लेवल को भी ब्रेक कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन बना हुआ है, तो अभी ये देखते हैं कल के दिन मीन्स ये किस तरीके का प्राइस एक्शन बना सकता है। उसके लिए एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार चले जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे 2-3 दिन का जो यहाँ पे रैली था ठीक है, 2-3 दिन की जो यहाँ पे रैली थी, यही लेवल अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है, और ये अच्छा है। मैंने आपको बता भी रहा था कि ये जिस तरीके से ऊपर गया है, एक बार यहाँ पे हम लोग को करेक्शन मिल जाए, और ऐसे 2 दिन का यहाँ पे हॉल्ट कैंडल था, तो आज अगर ये ऊपर निकला था तो वो बहुत ऊपर निकल जाना चाहिए था, बहुत ऊपर इन द सेंस इस लेवल को टच कर लेना था, लेकिन ये इसके पहले ही नीचे की ओर गिर गया। लेकिन ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर आप किसी भी शेयर में जो ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, जैसे एशियन पेंट हो गया, रिलायंस हो गया, अगर उसमें कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो जो क्वांटिटी है वो 1/10 कर लीजिएगा। मतलब अगर नॉर्मली 100 क्वांटिटी में कर रहे हैं प्लान, तो 10 क्वांटिटी में ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा चांसेस है स्टॉप लॉस हिट होने के। तो अभी इसने अच्छा किया है, अच्छा ये किया कि जो लास्ट टाइम का यहाँ पे सपोर्ट था उसको यहाँ पे जाके इस तरीके से हिट किया है। अगर अब ये यहाँ पे एकुमुलेशन जोन बना के फिर से ऊपर की ओर निकलता है, तो ये यहाँ पे सस्टेनेबल होगा और ऊपर की ओर निकलेगा, और जो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला, ये जो टारगेट है 2675, इसके आसपास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट जोन होना चाहिए, 2675 से लेके 2700 के आसपास। अभी इसके पहले कब ये सिचुएशन रिपीट हुई थी अगर देखेंगे, तो यहाँ पे ये लेवल ठीक है, इस लेवल को इसने ब्रेक किया था, और जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा था तो इसी लेवल के आसपास से इसने यू टर्न लिया था। तो सेम यहाँ पे गिरा, अभी इसी लेवल की आसपास से इसने यू टर्न लिया। अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक नया अच्छा रेंज बनाना चाहिए, एक्युमुलेशन जोन बना के फिर से इसको ब्रेकआउट देना चाहिए ऊपर की ओर। तो इस तरीके से ऊपर निकलेगा तो हम लोग कॉन्फिडेंटली जाके इसको यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं, और एटलीस्ट इतना यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और रिलायंस है तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, और इस तरीके का प्राइस एक्शन बन सकता है।
15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे जाके इसके कल के लिए जो टारगेट्स जानने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर का ले ऊपर की ओर जो टारगेट मुझे दिख रहा है, ठीक है, मैं जैसा कि मैंने बताया, मेरे लिए अभी रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो ये पॉइंट हो गया, ये जो कैंडल है इसका लो और यहाँ पे ये जो हाई है। तो अगर कल के दिन ये 2597, ठीक है, कल के दिन अगर ये 2597 को ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर की ओर प्लानिंग कर सकते हैं, और ऊपर की ओर पहला टारगेट होना चाहिए 2609 का, एंड जो सेकंड टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 2617 का, ठीक है। वो ऊपर की ओर अभी हमें प्लानिंग करनी है, तो कब करना चाहिए, 2597 के बाद पहला टारगेट 2610, दूसरा टारगेट 2617, ठीक है। और नीचे की अगर बात करेंगे तो नीचे अभी ये लास्ट स्विंग इसने जो बना रखा है, ये बना रखा है, ये इस कैंडल का लो है अराउंड 2535 का, तो 2534, 2534, 2534 के नीचे ही हमें इसमें अभी कोई नीचे का लेवल देखने को मिलेगा, और नीचे का पहला जो टारगेट हो सकता है हमारे लिए वो हो सकता है 2519 का, एंड जो सेकंड टारगेट हमारे लिए हो सकता है नीचे की ओर वो हो सकता है 2510 का, ठीक है, 2510 का। लेकिन ये लेवल है अभी यहाँ पे देखेंगे, इस लेवल को पहली बार आगे हिट किया है, ठीक है। तो ये पहली बार जब भी आता है, ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, पहली बार जब भी आता है तो एक अच्छा यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है, ये ऊपर की ओर गया है। अब ये फिर से इसके बाद आएगा, ठीक है, फिर से इसके बाद इसके पास आने के बाद अगर ये यहाँ पे ये लेवल फिर क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इस तरीके से ब्रेक करेगा, तो ये दोनों टारगेट हमारे अचीव होते हुए दिखेंगे। ऊपर का भी हमने लेवल बता दिया है, तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे जो भी शेयर ब्रेकआउट देने वाले होते हैं उनका मैं वहाँ पे स्नैपशॉट पे शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आपको वीडियो लेट से भी मिले तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।